जय हिंद साथियों, आजादी के परवानों ने मर मिटने की ठानी थी। सन 57 के युद्ध खून में लिखी गई कहानी थी। मंगल पांडे की बलि ने स्वयं का प्याला तोड़ दिया, जगह जगह चिंगारी फूटी, तोपों का मुंह मोड़ दिया। जिस प्रकार 1857 की क्रांति में तोपों का भी मुख मोड़ दिया था, वैसा अब क्यों नहीं हो रहा है? क्या कारण है कि अभी तक कोई भी ऐसी चर्चा अभी अखबार में नहीं चल रही? वीडियो में 2022 परीक्षा रद्द के लिए आप लोगों ने कहा कि सर वीडियो बनाइए, मैंने बनाया। आपने कहा जयपुर आइए, मैं गया जयपुर, थे मिले ही को नहीं। तो फिर क्यों कोई कैसे आपके लिए करेगा? आप घर बैठे दो बातें करते हैं, वहां से सिर्फ लिखना आसान है, उसके अंदर भी कोई पक्ष में है कोई नापक्ष में है। क्या कारण है वो अपने जानेंगे। जब मैंने पहला वीडियो बनाया तो उसके नीचे आप कमेंट देखना, उसमें 70% तो ये कह रहे हैं कि हाँ सर ये रद्द होनी चाहिए, पेपर खुला हुआ मिला है, ऐप से प्रश्न मिले हैं, डम्मी कैंडिडेट बिठाया गया मिला है। लेकिन कई जगह विद्यार्थियों ने क्या कहा, हमारा पेपर तो अच्छा हुआ है, ये तो वो लड़के हैं जो हर पेपर के बाद कहते हैं कि पेपर रद्द होना चाहिए, इन्होंने तो हर बार ऐसा ही करना है, सर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल उसमें से कुछ और थे कि आपको कोई काम नहीं है, सिर्फ रद्द करवाने के लिए आ जाते हो, तो उसमें कोई आपका साथ क्यों देगा? आपने कमेंट किए कि कोई अध्यापक साथ नहीं दे रहा है, आप अध्यापक की बुराई करेंगे तो साथ क्यों देगा भाई? आपके लिए सोशल मीडिया यूट्यूब प्लेटफॉर्म जो कि एक निशुल्क है, वहां पर कोई आपको पढ़ा रहा है। अब वो आप पर डिपेंड करता है कि आपको अच्छा लगे तो आप पढ़िए, नहीं अच्छा लगे तो मत पढ़िए। लेकिन आप फिर भी वहां पर नकारात्मकता से भरे हुए कमेंट करेंगे तो फिर वह व्यक्ति आपके लिए क्यों सोचेगा? वह अपना कार्य करता रहेगा, ठीक है। वो कहता है ना, जाति पाति पूछे न कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। तो आइए, क्या कारण रहा, अभी तक क्यों ऐसा माहौल नहीं बन रहा है, जिसके कारण क्या है अपने जानते हैं। देखिए कि कोई नहीं आया साथ देने। बिल्कुल जब मैंने कहा कि मैं जयपुर आ रहा हूं तो आप में से किसी एक भी कैंडिडेट ने फोन नहीं किया कि सर कहां आ रहे हो, कहां मिलोगे, हम वहां खड़े हैं, कोई एक नहीं। मैंने टेलीग्राम पर भाई मैसेज किया है कि मैं सुबह जयपुर आ रहा हूं, आप देख लेना, लेकिन थारमु एक भी मैसेज को नहीं है, एक भी मैसेज अठवीं बर तक जागे आनो यानो हो। तो जब आप ही नहीं होंगे तो मैं बढ़ जाके क्या कहूं कि नहीं मैं नहीं आ सकता, मैं आपको ये भी बता रहा हूं, मैं आपके साथ नहीं खड़ा हो सकता, मैं ये भी बता रहा हूं। क्योंकि आपने देखा होगा कि एक हमारे थे विकास जाखड़ झुंझुनू से, जिन्होंने अपनी नौकरी छोड़कर आप लोगों के हित में कार्य किया, जेल भी गए वह, लेकिन उन्होंने कार्य छोड़ा नहीं, उनका विद्यार्थियों ने भी साथ दिया तो उन्होंने सफलता भी पाई, रीट भर्ती को रद्द करके भी दिखाया। तो हो सकता है करने वाला होना चाहिए, आप में से कोई आगे आने वाला होना चाहिए। किसी ने अभी तक शिक्षा मंत्री या अन्य मंत्री या अध्यक्ष कर्मचारी चयन बोर्ड को सूचित नहीं किया है, ऐसा कोई भी लेख आप लोगों ने नहीं भेजा है या आप लोगों ने कोशिश नहीं की है। आप प्रत्येक गांव में रह रहे हैं, वहां पर आपका कोई ना कोई विधायक है, कोई ना कोई वहां पर आपके सांसद महोदय हैं, जब आपने उनको अपने हितों के लिए चुना है तो फिर वो आज आपके लिए क्यों वो लिख के नहीं भेज सकते? क्या आप में से कोई कैंडिडेट गया? जी नहीं, उनके पास तो नहीं गए, भूल गए हम तो उनको। तो फिर जब आपने वोट दिया है तो फिर आप उनके पास क्यों नहीं जाते हैं? आपके साथ अन्याय हुआ, आप ही का क्षेत्र है ना, तो फिर वो आपकी आवाज उठाएंगे, लेकिन किसी ने नहीं किया। चलो कोई बात नहीं, कुछ विद्यार्थी पक्ष में है कुछ नहीं है। अब पहले ये नहीं है तो किसकी सुने, इनकी सुने या इनकी सुने? क्योंकि ये कहते हैं कि हमारा पेपर अच्छा हुआ, हम तो पेपर चाहते हैं, ये कहते हैं कि हमारा पेपर अच्छा नहीं हुआ। इसके पीछे दो कारण है। इनका ये भी कहना था कि सर इस भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने से कुछ नहीं होने वाला, बिल्कुल सही बात है, लेकिन इस पर रोक कब तक लगेगी, ऐसा कब तक होता रहेगा, डम्मी कैंडिडेट का बैठ जाना है या फिर कोई पेपर पहले मिल जाना है, तो ये चीजें क्यों नहीं रुक रही है? ये बात जरूर सही है भी, पहले इन पर रोक लगाओ, हम अपनी मेहनत से आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन बार बार एक ही चीज की तैयारी हम कितने दिनों तक करते रहेंगे, घर से बाहर रहकर कितने दिनों तक हम हॉस्टल का किराया भरेंगे, कितने दिनों तक लाइब्रेरी में बैठकर हम पैसा खर्च करेंगे? तो ये भी बात यहां पर सही थी। फिर है विद्यार्थी ही नकारात्मकता प्रदर्शित करते हैं, किसी भी टीचर से अध्यापक से वह जाकर खुद नहीं मिल रहे हैं, ओनली फॉर एक सोशल मीडिया के माध्यम से वह कमेंट करके बोल रहे हैं कि आप आइए। जब आप किराया लगाकर उनसे मिलने नहीं जा सकते, आप बैठकर बात नहीं कर सकते, मैं आपको बता दूं कि मैं वर्तमान में बीकानेर में पढ़ा रहा हूं, अभी तक एक भी सिंगल पर्सन कैंडिडेट
मेरे पास नहीं आया है इस मामले के लिए, एक भी नहीं आया है, एक भी, चाहे वह मेरे प्री में पढ़कर गए हो मेरे पास, चाहे वो वीडियो मेंस में पढ़कर गए हो, लेकिन एक भी साथी नहीं आया है, तो बताओ मैं किन लिए जाऊंगा। तो वही आप घर बैठे हैं, सिर्फ एक सोशल मीडिया पर कमेंट, उससे कुछ नहीं होने वाला है। मैंने क्या कहा है, मंगल पांडे की बलि ने स्वयं का प्याला तोड़ दिया, जगह जगह चिंगारी, वो चिंगारी जागेगी तभी तब आप लोग आगे आएंगे, क्योंकि कार्य आपका है। आगे और बात करते हैं, कोई भी अभ्यर्थी अभी तक रिट नहीं लगा रहा है, किसी ने अगर कोर्ट में रिट वगैरह लगाई है तो आप दूसरे साथी को भेजिएगा, तीसरे को भेजिएगा, चौथे को भेजिएगा, कोई वकील नहीं कर रहा है अच्छा, कोई किसी से मिल नहीं रहा है, सिर्फ और हम ट्विटर पर कैंपेन चला देंगे, वो इतने में रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद में जयराम जी की। घर बैठे केवल रद्द करो खेल रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, आप वहां बैठे बैठे बोल रहे हो कि रद्द हो जाए, ऐसे थोड़ी ना होगी। आप आइए तो सही, आपके पास में सबूत है तो सबूत दिखाइएगा, जो भी सबूत आपके पास है, जिसके पास जिस सेंटर पर कोई भी गलती हुई है तो वह अपना बाकायदा रोल नंबर लिखिएगा, अपना नाम लिखिएगा और बताइएगा कि हमारे साथ ऐसा हुआ था, यहाँ ये अध्यापक थे, यहां पर जांच होनी चाहिए, लेकिन कोई नहीं बोल रहा है। जयपुर से किसी ने बेरोजगार संघ के अध्यक्ष, हर बार हम देखते हैं कि बेरोजगार संघ के जो अध्यक्ष है वह एक बड़ा मामला लेकर इस पर बैठ जाते हैं, लेकिन इस बार कोई भी मुझे नहीं दिख रहा है। आप स्वयं कुछ नहीं कर रहे, भला दूसरा कोई क्यों आपके भविष्य के बारे में सोचेगा मेरे दोस्त। ये जिंदगी अपनी है, हमें खुद ही करना पड़ेगा, सिर्फ दूसरे तो जनाजे उठाने के लिए आएंगे, वरना कोई साथ देने के लिए नहीं आएगा। कोई आपको अच्छा लगे बुरा लगे वो आपकी बात है, लेकिन इस कार्य के अंदर आपका कार्य है, आपको करना है। आपके साथ हुआ तो आपके साथ ही, जो बैचमेंट है जिन्होंने आपके साथ तैयारी की है उनका कोई ग्रुप बनाकर आप उसके अंदर जुड़िएगा, तब जाकर कुछ होगा। सभी अध्यापकों से आप बात करते हो फिर साथ उनका उनके साथ नहीं होते, बिल्कुल भी हम फिर आप वहां सेट होगे कि हम तो सर बेरोजगार है, हमारे पर कोई केस हो जाएगा। तो फिर जो अध्यापक है जो खुद गवर्नमेंट नहीं लगा हुआ, अगर वह भी वहां पर आता है और वो किसी परीक्षा की तैयारी कर रहा है तो उस पर भी केस लगेगा, तो उसकी भी तो जिंदगी खराब होने का डर है ना। और जो गवर्नमेंट लगा हुआ है वो इसलिए नहीं जा रहा कि सरकार के खिलाफ, वो वैसे नहीं बोल पा रहा है, जैसे मेरे को कोई कह दे तो मैं तो जाके धरना प्रदर्शन पर नहीं बैठ सकता। हाँ, मैं जॉब छोड़कर जरूर बैठ सकता हूँ, पर जॉब छोड़ू किसके लिए? जो सुबह कमेंट कर रहे थे सर आपने तो नेपोटिज्म शुरू कर दिया, परिवारवाद शुरू कर दिया। भैया परिवारवाद क्या होता है? क्या मैंने आपसे कोई आपकी संपत्ति ली है या मैंने कोई आपके अधिकारों का हनन किया है? मैं एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लोगों को जो मुझे आता है वो पढ़ा रहा हूं, जिसको अच्छा लगे वो पढ़े, जिसको अच्छा नहीं लग रहा वो मत पढ़े। भगवान श्री राम के भजन को भी दुनिया अनलाइक कर रही है, सनातन धर्म की बात सभी कर रहे हैं लेकिन अनलाइक फिर भी कर रहे हैं, तो फिर बात क्या है? हम ही दो बात कर रहे हैं। जब तक हम एक मत नहीं होंगे, जब तक हम एक तरह नहीं सोचेंगे, जब तक हम एक साथ नहीं होंगे, कुछ भी नहीं होने वाला है। लेकिन संघर्ष भरा जीवन है, संघर्ष ही करना है, कोई करे ना करे आप जरूर कीजिएगा। यह मेरा लास्ट संदेश है, पहले आप इन सब पर गौर कीजिएगा कि ऐसा हम कर रहे हैं क्या? अगर ऐसा हो रहा है तो मुझे बताइएगा ताकि हम दूसरों को बताएं कि वहां पहुंचे, उनका साथ दें। अभी तक कोई ऐसा स्टूडेंट ग्रुप ही नहीं मिला, सब जगह ऐसे ग्रुप बने थे पहले जिन्होंने किया है, जैसे अभी राजस्थान पुलिस में कुछ पहले चयनित हो गए उनको बाहर कर दिया गया, उन सभी ने क्या किया? ग्रुप बनाया, दोबारा कोर्ट में गए और दोबारा वापस आ गए। तो वो होना चाहिए, कार्य करने के प्रति जुनून होना चाहिए, सुबह उठकर लग जाना चाहिए। मैं खुद 2013 में खनन विभाग से जब भर्ती हुआ, हमारी भर्ती प्रक्रिया 3 साल तक चली और 2016 में ज्वाइनिंग दी थी। मेरे साथियों ने कभी धरना प्रदर्शन उदयपुर, कभी जयपुर, कभी कहां, तब जाकर ज्वाइनिंग मिली थी। पेपर तो पास हो गया था लेकिन उन्होंने ज्वाइनिंग नहीं दी थी। तो वो जरूरी है, सबके साथ होता है, आप सबके लिए कोई अलग नहीं है, हमने भी किया है तब जाकर मिली है, ऐसे नौकरी नहीं मिल रही है आज के समय, तो फिर हमें करना पड़ेगा भाई। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, कुछ करना है तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में जरूर भी, कौन कौन है, कौन किसने क्या किया है अभी तक, वो भी बताएं कि मैंने ये किया है, हम वहां पहुंचे हैं, हमने गुट बनाया, हमने ज्ञापन दिया है, हमने रिट लगाई है, कोई तो बताओ, साथ में अपने मोबाइल नंबर लिखो ताकि दूसरा आपसे संपर्क कर सके, कमेंट बॉक्स में बता देना। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।